तो वेल गाइस, अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, रैपर या फिर एक कवर सिंगर, तो आपके लिए ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह से एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अपने म्यूज़िक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी लेबल। ये टॉपिक पे मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं किस तरह से पर्सनली डिस्ट्रोकिट की सर्विसेज यूज़ करता हूँ अपने म्यूज़िक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और साथ ही साथ किस तरह से मैंने अपनी ईपी, जो फर्स्ट ईपी है, मेरी फर्स्ट स्टूडियो ईपी है पैराडाइज, वो मैंने सारे ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल की है विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रोकिट। उसके पास से काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए, आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे कि डिस्ट्रोकिट किस तरह से काम करता है, किस तरह से आप उसको पेमेंट कर सकते हो, और किस तरह से जो आपका रेवेन्यू जनरेट होता है आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। काफ़ी लोगों ने तो कमेंट सेक्शन में ये तक कहा कि डिस्ट्रोकिट फ्रॉड है और इसकी सर्विसेज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे इश्यूज है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस विद डिस्ट्रोकिट, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे डिस्ट्रोकिट के साथ काम करने के लिए, और सही मायने में इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। इट्स अ बॉय सुल्तान, यू वॉचिंग लो हिप हॉप, सो लेट्स स्टार्ट रोलिंग विद दिस वन। सो वेल गाइज, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था कि किस तरह से मैं पर्सनली डिस्ट्रोकिट की सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ, इसके फीचर्स को यूज़ कर रहा हूँ, चाहे वो स्पॉटिफाई अकाउंट को वेरीफाई करना हो या यूट्यूब चैनल को वेरीफाई करना हो, किस तरह से मैं अपनी ईपी, जो भी लॉन्च हुई है मेरी ईपी पैराडाइज, उसको मैंने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है सारे मेजर प्लेटफॉर्म्स पे, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रोकिट। काफ़ी सारे लोगों ने उसके नीचे कमेंट पूछा है, शायद काफ़ी सारे लोगों ने एक वीडियो देखी है यूट्यूब पे जिसमें कि एक इंडियन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कह रहे हैं कि उनके साथ डिस्ट्रोकिट ने फ्रॉड किया है, उनकी पेमेंट्स डिडक्ट कर ली गई है, उनको बताया नहीं गया कि पेमेंट किस चीज़ के लिए डिडक्ट की गई है, और वो अपना डिस्ट्रोकिट में अकाउंट डिलीट नहीं कर पा रहे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई कि उनका अकाउंट सस्पेंड कर लिया गया, डिस्ट्रोकिट ने उनके साथ फ्रॉड किया। तो गाइस, मैंने ये सारे फीचर्स पर्सनली भी देखे हैं यूज़ करके, और मैंने वो वीडियो भी देखी है, और जितना मुझे समझ में आया कि उसमें उस इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की ही गलतियाँ थी, उनकी तरफ से उन्होंने जो भी क्लेम्स किए जब मैंने क्रॉस चेक किया डिस्ट्रोकिट के साथ पर्सनली, क्योंकि मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि वो सारे के सारे क्लेम्स उन्होंने गलत बोले हैं, जो भी क्लेम्स के और उन्होंने बात की वो सारी चीज़ें गलत थी। डिस्ट्रोकिट के फीचर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और अगर आपको प्लेटफॉर्म को यूज़ करना नहीं आया प्रॉपरली तो वो आपकी प्रॉब्लम है, प्लेटफॉर्म की प्रॉब्लम नहीं है, प्लेटफॉर्म फ्रॉड नहीं है। अब बात करते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की गाइस। तो मैं काफ़ी टाइम से डिस्ट्रोकिट को यूज़ कर रहा हूँ, मुझे डिस्ट्रोकिट से पेमेंट भी आई है, मैं आपको उसके भी स्क्रीनशॉट्स वीडियो के एंड्स की तरफ मैं प्रॉपर आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको भी उस चीज़ का वेरिफिकेशन हो जाए, क्रेडिबिलिटी आपको समझ में आ जाए कि डिस्ट्रोकिट आपको पे करता है। तो हम ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से आप डिस्ट्रोकिट को पे करते हैं, किस तरह से आपकी जो रेवेन्यूज़ होते हैं वो अमाउंट डिस्ट्रोकिट आपको ट्रांसफ़र करता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो वेल गाइस, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये देखनी है कि डिस्ट्रोकिट एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस है, जिस तरह से कि आप Netflix, Amazon या फिर अपने पोस्ट पेड बिल्स के सर्विसेज लेते हैं, सब्सक्राइब करते हैं सर्विसेज को, और टाइम लिमिट ख़त्म होने पे आप उसे रिन्यू करते हैं सो दैट कि आप कंटिन्यू सर्विसेज को यूज़ कर सके, उसी तरह से डिस्ट्रोकिट की सर्विसेज एनुअल पैकेज के हिसाब से आती है। आपको वन टाइम एनुअल फ़ीस पे करनी पड़ती है डिस्ट्रोकिट के सर्विसेज को यूज़ करने के लिए, और अगर आपको कंटिन्यू करना है उसकी सर्विसेज के साथ तो नेक्स्ट ईयर आपको सब्सक्रिप्शन फ़ीस फिर से देनी पड़ती है। तो ये चीज़ बहुत क्लियर होगी। अब जो एक मेजर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिस्ट्रोकिट पे आप अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते या फिर अकाउंट डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो ये दिखाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से आप क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन अपनी अपडेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सर्विसेज यूज़ नहीं करनी है डिस्ट्रोकिट की तो आप डिस्ट्रोकिट के अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, और लेट्स मूव टू माय लैपटॉप स्क्रीन। सो गाइस, ये मेरा डिस्ट्रोकिट का अकाउंट है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं मैंने डिस्ट्रोकिट अपना अकाउंट खोल लिया है, और सबसे पहले हमें जाना है मोर पे, और यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं अपने अकाउंट सेटिंग्स में, तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पर क्लियरली आपको ये ऑप्शन देता है अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को अपडेट करने का। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और क्रेडिट कार्ड को यूज़ करें तो आप इजीली यहाँ पे उस क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाल के अपने सब्सक्रिप्शन को अपडेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्लेम किया गया कि डिस्ट्रोकिट पे आप अगर एक बार ही अपना अकाउंट बना लेते हो तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कम आउट ऑफ डिस्ट्रोकिट, आपको यहाँ पर हमेशा के लिए फंस जाते हो और आपको हर साल पे करना पड़ता है। नहीं गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक साल के बाद लगता है कि डिस्ट्रोकिट की सर्विसेज आपके लिए उतनी यूज़फुल नहीं है, तो आप
अपने डिस्ट्रोकिट के अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं। आपको जाना है अकाउंट सेक्शन में, और यहाँ जाकर जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पर सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिलीट अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, राइट। तो इसके थ्रू आप अपने डिस्ट्रोकिट अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है कि आपको डिस्ट्रोकिट किस तरह से पे आउट देता है। तो गाइस यहाँ पर पे आउट मेथड पर आप जाते हैं अकाउंट सेटिंग में, तो यहाँ पर आपको चार डिफरेंट वे आउट मिलते हैं जिसके थ्रू आप अपने पैसे डिस्ट्रोकिट के अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें कि डायरेक्ट डिपॉजिट भी है, पेपाल के थ्रू आप कर सकते हैं, अगर आपके पास पेपाल अकाउंट है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वायर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और फिज़िकल चेक के थ्रू भी कर सकते हैं। गाइस इसमें जो सबसे ईजी है, जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ, वो है वायर ट्रांसफ़र। वायर ट्रांसफ़र के थ्रू आप इजीली अपने अकाउंट में, फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट जो है यहाँ पे इंडिया में वो आईसीआईसी का अकाउंट है, तो मैं जब यहाँ पर डिस्ट्रोकिट को रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी पेमेंट रिलीज़ करने के लिए, तो 3 से 4 दिन का टाइम लगता है और मेरे अकाउंट में इंडिया में वो रिक्वायर्ड जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर ली जाती है। तो आप डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर वायर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दोनों ही ईजीली आपको इंडिया के किसी भी बैंक में आप ये सर्विसेज ले सकते हैं। और पेपाल, अगर आप पेपाल यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल आप ट्रांजेक्शन काफ़ी ज़्यादा करते हैं, तो आप पेपाल की सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, और इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि टैक्सेस का क्या इसमें हिसाब किताब रहता है। तो टैक्सेस में आपको यहाँ पे फॉर्म में क्या डालना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको जाना है यहाँ पे अपडेट योर टिप्लेटी सेटिंग्स, और जैसे आप यहाँ पर जाते हैं आप अपना यहाँ पर पासवर्ड डालते हैं डिस्ट्रोकिट का, मेरा यहाँ पर ऑलरेडी मैंने डाल दिया है पासवर्ड। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप US के बाहर के सिटीज़न हैं, आप इंडिया के सिटीज़न हैं, तो यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स डालने के बाद, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अपनी डिटेल्स डाल रखी है, इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाते हैं तो वहाँ पर आप अपनी बैंक के अकाउंट डिटेल्स डालते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपनी बैंक अकाउंट डाल रखी है, जैसे ICICI का स्विफ्ट कोड, यहाँ पर मेरा ICICI बैंक अकाउंट है, अकाउंट नंबर है, सारी डिटेल्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट मैं जाता हूँ आगे, तो यहाँ पर आपको टैक्स फॉर्म के बारे में पूछा जाता है। US से बाहर के सिटीजन्स हैं उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप W8BEN ये वाला फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है, और ये वाला आपको टैक्स सिस्टम सेलेक्ट करना है, ये वाला फॉर्म आपको भरना है। और इस फॉर्म को भरने के बाद, ये सेलेक्ट करने के बाद, भरने के बाद आप यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स सारी डालते हैं कि आप किस, आपको यहाँ पर अपने पैन कार्ड की डिटेल्स डालनी पड़ती है, क्योंकि टैक्स सिस्टम जो US का है वो आपको तभी आइडेंटिफाई करेगा जब आप इंडिया के किसी टैक्स सिस्टम के ऑथोरिटेटिव डॉक्यूमेंट की डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करते हैं। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है, उस वीडियो में जिस वीडियो की हमने बात की जहाँ पर आर्टिस्ट ने बोला कि डिस्ट्रोकिड ने उसके साथ फ्रॉड किया, उसके पैसे काट लिए, तो गाइस ये चीज़ मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो उस आर्टिस्ट ने एक कवर सॉन्ग डिस्ट्रोकिड के थ्रू रिलीज़ किया, जहाँ पर उसने डिस्ट्रोकिड को ये इंटीमेट नहीं किया, उन्होंने डिस्ट्रोकिड को ये नहीं बताया कि बेसिकली ये एक कवर सॉन्ग है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। अब कवर सॉन्ग जब भी आप डालते हैं डिस्ट्रोकिड के थ्रू तो आपको एक लाइसेंस देनी पड़ती है जिसके $12 लगते हैं। तो अगर डिस्ट्रोकिड को पता चल जाता है या कंप्लेंट आती है किसी भी लेवल से कि इस आर्टिस्ट ने बिना हमारी परमिशन के सॉन्ग को वहाँ पर लॉन्च किया है, तो डिस्ट्रोकिड को $12 जो आर्टिस्ट को देने होते हैं डिस्ट्रोकिड आपके क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट कर लेता है। यहाँ पर क्या हुआ है कि आर्टिस्ट ने डिस्ट्रोकिड को नहीं बताया कि उन्होंने एक ऐसे सॉन्ग को कवर किया है जिसके पास उनको सॉन्ग को कवर करने के राइट्स नहीं थे। बेसिकली चोरी होती है ये, किसी भी और लेबल के कंटेंट को जब आप कवर करते हो तो बेसिकली वो चोरी होती है, अगर आप उसके पास परमिशन या लाइसेंस के बिना आप उसको यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती उस आर्टिस्ट की थी। डिस्ट्रोकिड को जब ये पता चला तो उन्होंने उस आर्टिस्ट के अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट कर लिए जो कि उनको लॉफुली राइटफुली उस लेबल को ट्रांसफ़र करने होते हैं, जो कि उस आर्टिस्ट ने डिस्ट्रोकिड से छुपा के रखी। सो गाइस, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने अभी तक डिस्ट्रोकिट के थ्रू कितने रेवेन्यू को जनरेट किया है और किस तरह से वो पैसे एक्चुअली में मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए, वो भी सिर्फ 3-4 दिनों के अंदर। तो मैं आपको अभी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेकर जाता हूँ फिर से, और मैं आपको दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें। तो जैसे आप डिस्ट्रोकिट खोलते हैं, तो डिस्ट्रोकिट में खोलने के बाद जब आप अपने बैंक सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर बेसिकली आपको आपकी रिपोर्ट्स आती है, और यहाँ पर आपको जितना भी आपके सॉन्ग्स ने स्ट्रीम किया है उसकी डिटेल्स आती हैं, आपने जितना भी तक रेवेन्यू जनरेट किया है उसकी डिटेल्स आती है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा अकाउंट है, और यहाँ पर टिल डेट जो रेवेन्यू है वो है $315, दैट इज़ $315। और यहाँ पर ब्रेकअप आ जाता है कि किस सॉन्ग ने कितनी सर्विसेज आपकी कितनी किस सॉन्ग ने आपका किस तरह से परफॉर्म किया, यहाँ पर आपको सारी एनालिटिक्स मिल जाती है। और $315 में से मैंने अभी तक सिर्फ $45 विड्रॉ किए हैं, ये मैंने किए हैं नवंबर 10 को, राइट।
45 USD का मतलब होता है नॉर्मली इंडियन करेंसी में 70 रुपये के अगर हिसाब से हम बात करते हैं, अगर कन्वर्जन रेट इस टाइम USD टू INR इज 70 रुपीज़, तो समवेयर क्लोज टू 3200 रुपीज़ के आसपास ये अमाउंट बनती है। नवंबर 10 को मैंने विड्रॉ किया था और 2 दिनों के अंदर मेरे ICICI बैंक अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र हो गए थे, वायर ट्रांसफ़र हो गए थे। तो उसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पर डाल देता हूँ सो दैट आपको कन्फर्मेशन आपको भी हो जाए। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, आप इजीली अपने अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। मैंने भी प्रॉपरली सिस्टम्स को फॉलो किया तो मेरे अकाउंट में भी 2 से 3 दिन के अंदर ये सारे पैसे विड्रॉ हो गए। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार ये आता है, काफ़ी सारे आर्टिस्ट ये कहते हैं कि डिस्ट्रोकिट आपके पैसे खा लेता है, डिस्ट्रोकिट आपके साथ फ्रॉड करता है, जितने पैसे आपने जनरेट किए होते हैं वो एग्जैक्टली उतने पैसे आपको देता नहीं है। तो गाइज यहाँ पर डिस्ट्रोकिट की फिर से कोई गलती नहीं है, लीगली ये वही कर रहे हैं जो इन्हें करना चाहिए। डिस्ट्रोकिट एक US की कंपनी है और आप एक इंडियन आर्टिस्ट हो, जितनी भी आप रेवेन्यू जनरेट करते हो इंडिया से बाहर, वहाँ पर आपको उस कंट्री की गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो तकरीबन 25% जो आपकी अर्निंग होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया 3500 के आसपास मेरी अर्निंग थी, जिसमें से मेरे पास 2300-2400 रुपये विड्रॉ मैंने किए हैं उसमें से, जो मेरे पास एक्चुअली मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुए हैं। तो अराउंड 25% के आसपास डिस्ट्रोकिट वो पैसे डिडक्ट करता है, जिसमें कि उसकी फ़ीस भी होती है, ट्रांजेक्शन फ़ीस, और साथ में मेजोरिटी जो है वो बेसिकली टैक्स है। तो डिस्ट्रोकिट यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है, वो टैक्स सबमिट होता है विद US टैक्स अथॉरिटीज़। तो अगेन यहाँ पर भी डिस्ट्रोकिट प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से ही आपको हेल्प कर रहा है। तो गाइज आई इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही पर्पज़ था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद डिस्ट्रोकिट विथ यू ऑल, ताकि कोई भी किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे, किसी तरह की जो बातें हो रही है कि डिस्ट्रोकिट फ्रॉड है, या फिर काफ़ी सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि डिस्ट्रोकिट आपके साथ फ्रॉड करता है, ये फेक सर्विसेज देता है। तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस डिस्ट्रोकिट के साथ काफ़ी टाइम से और काफ़ी अच्छा है। हर एक चीज़ को मैंने कोशिश की है यहाँ पर कि मैं आपको हर एक चीज़ क्लियरली आपको मैं अपडेट कर सकूँ, क्लियरली मैं आपको बता सकूँ, जो भी इशूज़ है वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी आता है, काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि डिस्ट्रोकिट आपको रिप्लाई नहीं करता, कोई कस्टमर केयर सपोर्ट नहीं है। तो गाइज आप डिस्ट्रोकिट को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, आप उनके पास अपने रिक्वेस्ट मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो, या फिर आप मेल भी करते हो। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिस्ट्रोकिट ने मेरे को मेल पर रिवर्ट किया है, जब मुझे कोई क्वेरी हुई तो उन्होंने 2 दिन के अंदर, आई थिंक 48 आवर्स के अंदर ही उन्होंने मेरे को रिप्लाई कर दिया था, और जो मेरी प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन भी उन्होंने मुझे बहुत इजी वे आउट में दे दिया था, जैसे कि स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं। तो गाइस कोशिश यही थी कि जितनी भी बातें हो रही है कि डिस्ट्रोकिट फेक सर्विसेज देता है, डिस्ट्रोकिट फ्रॉड करता है, आप उसके साथ फंस जाते हो तो आप निकल नहीं सकते हो, आपके पैसों को वो डिडक्ट कर देता है, आपके पैसे कभी अब तक आते नहीं है, तो वो सारी चीज़ें वो आर्टिस्ट कर रहे हैं जिन्होंने एक्चुअली में या तो डिस्ट्रोकिट के सर्विसेज को यूज़ किया है बट ठीक से यूज़ करना नहीं आया, प्लेटफॉर्म को ठीक से समझे नहीं है, या फिर ये सिर्फ वही बातें वही आर्टिस्ट कर रहे हैं जिन्होंने कभी एक्चुअली में डिस्ट्रोकिट को पर्सनली यूज़ नहीं किया। मेरा अपना डिस्ट्रोकिट के साथ जो एक्सपीरियंस था, आई वॉन्टेड टू शेयर दैट एक्सपीरियंस विथ यू सो दैट आपको एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट सही डायरेक्शन मिले, आपको पता हो कि आप कहाँ पर अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी और सबसे इंपॉर्टेंट अपना म्यूजिक आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो गाइज आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। अगर आपको आज भी कोई डिस्ट्रोकिट को लेकर कोई भी आपको क्वेरी है, कोई आपको इश्यूज़ है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, हर एक कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। हर एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को सही नॉलेज मिले, यही मेरा मोटो है, यही इस चैनल का पर्पस है। और गाइज फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे चैनल्स को और ऐसे वीडियोस को प्लीज़ अवॉइड करें जो कि गलत इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर वो सिर्फ पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन, जो उनके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो उनका पर्सनल बेंट ऑफ माइंड है, उसके हिसाब से चीज़ें बोल रहे हैं जो कि एक्चुअली में सही नहीं है। सही चीज़ें, सही सर्विसेज US की वेबसाइट है, US की सर्विसेज है, गलत नहीं हो सकती है, वो गलत चीज़ें नहीं करते, वहाँ पे लीगल सिस्टम हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वहाँ पर इस तरह की फ्रॉड चीज़ें नहीं होती है। अगर आपको डिस्ट्रोकिट की सर्विसेज यूज़ करनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्ट्रोकिट का एक लिंक दे दूंगा, जिसके थ्रू इजीली आप जाके डिस्ट्रोकिट की सर्विसेज गेन कर सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलेगा 7% का डिस्काउंट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ गो एंड यूज़ द सर्विसेज ऑफ डिस्ट्रोकिट। सो गाइज आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने किसी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उसके पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। इट्स अ बॉय सुल्तान साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल सी यू द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नो हिप हॉप। टिल देन लॉट्स ऑफ लव एंड पीस।